हाय गाइस, मेरा नाम है पीयूष बत्रा। आपका ऑटो टेक वर्क्स में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको टू स्ट्रोक इंजन की वर्किंग एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू स्ट्रोक नाम से समझ में आ रहा है, दो स्ट्रोक में हमें पावर देगा, फोर स्ट्रोक में हमें चार स्ट्रोक में पावर मिलती है। स्ट्रोक क्या होता है? पिस्टन का टी डी सी से बी डी सी, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, एक मूवमेंट को बोलते हैं स्ट्रोक। तो इसमें टू दो स्ट्रोक में पावर मिलती है। पहले हम समझते हैं कि इसके फिगर को एक्सप्लेन करता हूँ मैं। जैसे फोर स्ट्रोक में वॉल्व्स होते हैं, इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व। इनलेट वॉल्व से चार्ज आता है, एग्जॉस्ट वॉल्व से बर्न गैसेस निकलते हैं। ये बिल्कुल अलग ही है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड इंजन है। इसमें एक एग्जॉस्ट पोर्ट होता है, एक इनलेट पोर्ट होता है, एक ट्रांसफ़र पोर्ट होता है। इनलेट पोर्ट से चार्ज आता है, एग्जॉस्ट पोर्ट से चार्ज जाता है। ट्रांसफ़र पोर्ट चार्ज को सिलेंडर के कंबशन चैम्बर में भेजता है। अब इसकी वर्किंग एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आपको नाम से ही पता है कि दो स्ट्रोक में हमें पावर इसमें मिलती है, मतलब एक चार जो स्टेजेस होती हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। सक्शन और कंप्रेशन दोनों स्टेजेस पहले स्ट्रोक में कंप्लीट हो जाती हैं, और पावर और एग्जॉस्ट दोनों स्टेजेस आखिरी दूसरे स्ट्रोक में कंप्लीट हो जाती हैं। सक्शन में क्या होता है, सक्शन और कंप्रेशन जब एक साथ होते हैं तो होता क्या है, जब पिस्टन नीचे से ऊपर जा रहा होता है, यानी बी डी सी से टी डी सी की तरफ जा रहा होता है, तब इनलेट वॉल्व खुल जाता है। इनलेट वॉल्व खुल जाता है मतलब ये जैसे ऊपर पहुंचा तो ये इनलेट वॉल्व, ये वॉल नहीं सॉरी पोर्ट, ये इधर दरवाज़ा वरवाज़ा कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक खुला पाइप कनेक्शन है। ये जैसे ऊपर जाएगा पिस्टन तो ये नीचे इनलेट वॉल्व से सारा चार्ज, फ्यूल और एयर का मिक्सचर, वेपर के फॉर्म में इसके अंदर भर जाएगा। पूरा इसके अंदर वेपर के फॉर्म में भर जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर जो पहले से ही मौजूद जो चार्ज था उसका कंप्रेशन होगा। सक्शन हुआ, फिर जब ऊपर गया तो इसका कंप्रेशन भी यहाँ हो गया। कंप्रेशन से जब यहाँ पहुँचेगा तो यह जो पहले से ही मौजूद तो फ्यूल और एयर का मिक्सचर था उसका कंप्रेशन होगा, और स्पार्क प्लग से, अगर पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग, वैसे पेट्रोल इंजन ही होते हैं टू स्ट्रोक इंजन्स, तो स्पार्क प्लग से स्पार्क निकलेगा और इसका कंबशन होगा फ्यूल और एयर के मिक्सचर का, और जो बर्न गैसेस होंगी वो एग्जॉस्ट पोर्ट से निकलेंगी। ये जो आप डिफ्लेक्टर देख लें, इसका काम ही है कि जो बर्न गैसेस हैं उनको रास्ता दिखाना एग्जॉस्ट पोर्ट की तरफ, मतलब उनको जो बर्न गैसेस हैं उनको इजीली एग्जॉस्ट पोर्ट से निकालने में मदद करता है, ताकि वो ज़्यादा देर तक रुकी ना, मतलब इधर ही बची ना रहे। अब पहला जो स्टेज था, स्ट्रोक था, उसमें सक्शन हो गया, फिर कंप्रेशन से जो पावर जनरेट हुई एंड में, वो पावर पिस्टन को नीचे धकेलेगी। जब पिस्टन नीचे जाएगा तो एग्जॉस्ट पोर्ट से तो सारी गैसेस निकल गई, अब ट्रांसफ़र पोर्ट खुल गया, ट्रांसफ़र पोर्ट से सारा चार्ज फिर इसके अंदर आ गया, और इनलेट वॉल्व बंद हो गया क्योंकि ये पिस्टन मूव होके इनलेट वॉल्व को, इनलेट पोर्ट को कवर कर देगा और इसका पैसेज रोक देगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा टू स्ट्रोक, बस यही था जो बेसिक वर्किंग है। वैसे अलग अलग डिज़ाइंस के भी आते हैं टू स्ट्रोक इंजन, कभी कहीं ट्रांसफ़र पोर्ट कहीं होता है कहीं होता है। ये जो बेसिक वर्किंग थी ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।